Assalamualaikum guys, आज हम बात करेंगे सेकेंड सेमीफाइनल के बारे में जो कि खेला जाता है रशिया डॉर्टमुंड के होम ग्राउंड पे। ये 2 मई को रात के 12 बजे पीएसजी और रशिया डॉर्टमुंड के दरमियान खेला जाता है। तो देखा जाए तो ओवर द गेम रशिया डॉर्टमुंड हैज ओवरकम टू दी पीएसजी मैनी गोल टू पीएसजी ट्राई मैनी टाइम्स बट डिड नॉट कन्वर्ट एनी चांस टू गोल। मबापे जिसको दुनिया का तेज तरीन इंसान माना जाता है फुटबॉल की हिस्ट्री में, बहुत ट्राई की उसने कि वो गोल कर सकें बट उनसे गोल नहीं हो पाया। डेम्बले जिसने बार्सिलोना को पुनिश किया था, ही ट्राई वेरी वेल बट ही कुड नॉट कन्वर्ट एनी चांस टू गोल, ही फेल्ड। मबापे फेल्ड, मबापे फेल्ड, डेम्बले फेल्ड। और बात की जाए तो रशिया डॉर्टमुंड की साइड पे, वहां पे बहुत चांस मिलते हैं उनको, हेड से लगा रहे हैं, हेड से गोल नहीं हो पा रहा। शूट लगा रहे हैं डी के ऊपर, गोल नहीं हो पा रहा। एक ऊपर से बॉल मिलती है उनके फॉरवर्ड को जो कि बहुत अच्छा असिस्ट होता है इस मैच का, तो वो गोल करने में कामयाब होते हैं। इस तरह से हकीमी जो कि बहुत ही अच्छे लेफ्ट बैक हैं, वहां इनको गुस्सा आता है कि ये गोल कैसे हुआ, बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही होती। ह्यूमल्स जो कि जर्मनी के बेस्ट डिफेंडर हैं, जर्मनी की हिस्ट्री के बेस्ट डिफेंडर हैं, उनके होश उड़ जाते हैं ये गोल देख के कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि उनके फॉर्मर ने बहुत ही अच्छे तरीके से गोल किया है। फिर उसी फॉरवर्ड को एक और चांस मिलता है हेड पे जो कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाते गोल गोल में। तो देखा जाए तो यहाँ पे बर्नेट बहुत अच्छा खेल पेश करते हैं, रोयस को बाहर बिठाया जाता है, 80 मिनट्स पे उनको इन किया जाता है। सेंचो जो कि बहुत अच्छे मिडफील्डर भी हैं, लेफ्ट विंग पे खेलते हैं, बहुत ही अच्छा गेम पेश किया इन्होंने, बहुत ही जबरदस्त गेम पेश किया इन्होंने। अगर बात की जाए पीएसजी की तो मार्किनीज बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे थे बट ही फेल्ड, डेम्बले फेल्ड, मबापे फेल्ड, मार्किनीज फेल्ड, हकीमी फेल्ड, 4 प्लेयर इन मैच ऑल फेल्ड। हकीमी नहीं स्टॉप कर पाते डॉर्टमुंड को गोल करने से। देखा जाए ओवरऑल मैच डॉर्टमुंड बहुत अच्छा खेली है, बहुत ही जबरदस्त गेम के पेश किया है डॉर्टमुंड ने। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।